हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के कुछ और एमसीक्यूज जानेंगे जो कि आपके यूनिट 4 से रिलेटेड है। लिसनर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला है आईएमसी का क्या मेन लक्ष्य होता है। आईएमसी यानी इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब होता है लिसनर्स कि ये क्या करता है, जितने भी मार्केटिंग टूल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि जो एडा है, एडा जो मॉडल है आपका मार्केट एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में, तो इसको बताना है कि एडा का क्या मतलब होता है। तो एडा का मतलब है ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि एडा है तो सिर्फ ए का क्या मतलब है, इसमें अटेंशन होगा, अवेयरनेस होगा या फिर एनालिसिस होगा या फिर एक्शन होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैगमार मॉडल इज प्रीमियरली यूज फॉर, डैगमार मॉडल का यूज किस लिए किया जाता है। तो लिसनर्स, इसके इस रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है तो मैं आगे डिस्कस करूंगी। डायरेक्ट इसका आंसर की बात करती हूँ तो इसका आंसर है कि ये एडवर्टाइजमेंट के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनको सेटअप करने में हेल्प करता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडा मॉडल जो है उसमें कौन सा स्टेज आता है इंटरेस्ट के बाद। तो लिसनर्स, इसका आता है क्या चीज, एक्शन। आप देख सकते हैं कि एडा मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए एक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए एक मिनट, इंटरेस्ट के पहले कौन सा स्टेज आता है, बाद में, सॉरी, तो इंटरेस्ट के बाद में जो है आपका एक्शन आता है, यानी कि आप देख सकते हैं इसके बाद में डिजायर फिर एक्शन। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया सेम उसी को को ज्यादातर घुमा दिया गया क्वेश्चंस को, लेकिन आंसर आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिसनर्स, इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आईएमसी, यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं है। नेक्स्ट है कि एडा मॉडल जो है वो कंज्यूमर की जर्नी के किस स्टेज पर ज्यादा जोर डालता है। तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अटेंशन पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, सो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि डिसीजन स्टेज जो होता है उसका प्राइमरी फोकस क्या है। डिसीजन स्टेज जो आपके एडम मॉडल में दे रखा है उसका प्राइमरी फोकस, मेन फोकस क्या है। तो इसका मेन फोकस ये है कि एक्शन और परचेज को इनकरेज करना। नेक्स्ट है कि डैगमार मॉडल का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म की बात की गई है लिसनर्स। तो डैगमार मॉडल का जो आपको फुल फॉर्म है वो है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजायर स्टेज इन द एडा मॉडल, यानी कि एडा मॉडल में जो डिजायर स्टेज है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड एक फेवरेबल डिस्पोजिशन क्रिएट करने की बात करता है। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ द एडा मॉडल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि इसका कौन सा स्टेज फोकस करता है सेंस ऑफ अर्जेंसी पे, तो एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, यानी कि कौन सा इसमें एडवर्टाइजिंग मीडिया का टाइप है, कस्टमर सर्विस है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्रिंट है या ब्रांड पोजिशनिंग है। तो लिसनर्स, इसका आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन है सी, यानी कि प्रिंट। प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या इंक्लूडेड होता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज कैरेक्टराइज बाई, यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बारे में इसमें बताना है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम होता है लिसनर्स। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजिंग के विशेषताओं में क्या इंक्लूडेड है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच मीडिया टाइप ऑफर हाई ऑडियंस सेलेक्टिविटी, कौन सा मीडिया हाई ऑडियंस सेलेक्टिविटी बताता है, प्रिंट मीडिया बताता है। नेक्स्ट है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग का आपको एक मेरिट बताना है, एडवांटेज बताना है, तो ब्रॉड रीच पोटेंशियल, अभी मैंने जस्ट बताया आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग की एक लिमिटेशन बतानी है, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट है, कौन सा मीडिया जो टाइप है वो ऑफर करता है इंटरक्टिव कैपेबिलिटीज को, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स कि वॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग की विशेषता बतानी है, तो इसमें लिमिटेड ऑडियंस सेलेक्टिविटी होती है। लिसनर्स, अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड है, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं विच मीडिया टाइप अलाउ फॉर लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। कौन सा मीडिया अलाउ करता है लंबे एक्सपोजर टाइम के लिए? तो आउटडोर मीडिया अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको एक हानि बतानी है, लिमिटेशन बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। तो इसमें अभी बताया मैंने, लिमिटेड ऑडियंस सेलेक्टिविटी होती है। और डायरेक्ट मेल मार्केटिंग का आपको देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में विशेषता बतानी है, तो इसमें हाई ऑडियंस सेलेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लिसनर्स, मेरिट्स ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग का क्या एडवांटेज है? तो इसमें हाई विजुअल अपील होती है। नेक्स्ट सिनेमा एडवर्टाइजिंग की लिमिटेशन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड ज्योग्राफिक टारगेटिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट विच मीडिया टाइप ऑफर लिमिटेड क्रिएटिव पोटेंशियल, किस तरीके का मीडिया लिमिटेड क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफर करता है? तो रेडियो। लिसनर्स इसमें मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए आपको इसमें मेंशन भी कर दिया है मैंने, और मैं बता भी रही हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की विशेषता बतानी है, तो इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज होती है इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ मीडिया कैटेगरी फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग के लिए जब भी हम मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो मेन हमारा कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होता है? तो इसमें हम कॉस्ट की चीजों को देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लगने वाली, तो कॉस्ट की इफेक्टिवनेस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रीच इन मीडिया प्लानिंग रिफर्स टू, इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड एक्सपोज टू अ मीडियम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स कि मीडिया प्लानिंग में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी विद विच द ऑडियंस इज एक्सपोज टू द मैसेज। मीडिया प्लानिंग का जो इम्पैक्ट है वो निर्धारित किया गया है किस चीज से रिलेटेड? तो क्रिएटिव क्वालिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो आपका दे रखा है आपके स्क्रीन पर ये है कि कॉस्ट इन मीडिया प्लानिंग रिफर्स टू, मीडिया प्लानिंग में जो कॉस्ट होती है उसका क्या मतलब होता है कि मीडिया एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपने कितना बजट एलोकेट किया है। नेक्स्ट है, कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किया गया है मीडिया प्लानिंग में? लिसनर्स आई होप ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये बताया कि कॉस्ट इन मीडिया प्लानिंग, यानी मीडिया प्लानिंग में जो कॉस्ट होता है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा यही है, द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी जितना भी बजट एलोकेट किया गया है एडवर्टाइजिंग के लिए उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड इन मीडिया प्लानिंग, यानी कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाता मीडिया प्लानिंग में? तो ब्रांड की पॉपुलैरिटी, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज इन रीचिंग रूरल एंड रिमोट ऑडियंस, यानी कि क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है रूरल एंड रिमोट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए? तो इसका आंसर है लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल मीडिया चैनल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर रीचिंग रूरल एंड रिमोट ऑडियंसेस, यानी कि इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन तक पहुंचने के लिए? तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, लिवरेज इन कम्युनिटी इवेंट्स एंड लोकल पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाई इज इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका मूल्यांकन करना क्यों ज्यादा जरूरी है? तो इसका मतलब ये है कि टू जस्टिफाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ताकि हम इसके एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं उसको देख सके, उसको जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, इसका मतलब है विज्ञापन प्रत्याशा के मूल्यांकन से जुड़ी कठिनाइयां क्या है? सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कौन से मेथड का यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस के लिए? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑडियंस सर्वे। नेक्स्ट है आपका, विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड व्हेन मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कौन से फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता जब भी हम एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं? तो सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रांड पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लिसनर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज अ चैलेंज इन यूजिंग सेल्स डेटा टू मेजर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, इसमें बोला गया है कि क्या चैलेंज आ सकती है अगर हम एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए जो सेल्स डेटा का यूज करते हैं? तो सो इसका आंसर है लिसनर्स, डिफिकल्टी इन एट्रीब्यूटिंग सेल्स टू स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आरओआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, सो इसमें आरओआई का मतलब बताना है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस में, इसमें इसके संदर्भ में बताना है।
तो आरओआई का क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु रिकॉल सीइंग ऑन एडवर्टाइजिंग। सो लिसनर्स, इसका आंसर है ब्रांड अवेयरनेस स्टडीज। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लिसनर्स है, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, यानी कि वेबसाइट ट्रैफिक को यूज करने के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस को जब हम यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, तो इसका एक लाभ बताना है, एडवांटेज बताना है। सो इसका आंसर है लिसनर्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ यूजर इंट्रैक्शन। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसके जरिए आप मैसेज करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लिसनर्स आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।